हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है डिमांड इलास्टिसिटी या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं कि वेरियस कॉन्सेप्ट क्या होते हैं डिमांड इलास्टिसिटी के प्राइस इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी इन सभी को जो है वो जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को स्टूडेंट्स तो जब मैं बात करता हूँ इलास्टिसिटी की तो इलास्टिसिटी बेसिकली ऑफ डिमांड है ड्यू टू चेंज चेंज इन प्राइसेस प्राइसेस अगर prices होते हैं तो क्या रिस्पॉन्सिवनेस आएगी आपके पास डिमांड के अंदर वो आपके पास इलास्टिसिटी शो करेगा जब हम बात कर रहे होंगे प्राइस इलास्टिसिटी की बट अगर हम बात कर रहे होंगे इनकम इलास्टिसिटी तो हम देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम और अगर हम बात कर रहे होंगे क्रॉस इलास्टिसिटी की तो हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइसेस ऑफ वन गुड टू अनदर गुड्स डिमांड यानी कि एक गुड्स के प्राइस चेंज होने पर अदर गुड्स की डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है क्या रिस्पॉन्सिवनेस जो होगी उसकी उसको हम इलास्टिसिटी की बात कहेंगे अब इलास्टिसिटी बेसिकली फ्लैक्सिबिलिटी के तौर पर आप कह सकते हैं कि, कि कितना रिस्पॉन्सिवनेस या कितना फ्लेक्सिबिलिटी होता है डिमांड के अंदर ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस अगर प्राइस इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं तो

क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड अड्डस टू चेंज इन इट्स प्राइजेज इनकम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अकॉर्डिंगलीर आर आर थ्री काइंड की इलास्टिसिटी की बात की थी प्राइज इनकम और क्रॉस प्राइज इलास्टिसिटी की ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला इलास्टिसिटी है प्राइज इलास्टिसिटी जहां पर आप प्राइज को चेंज होते हुए देखेंगे और इनकम इलास्टिसिटी में आप इनकम को देखेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी में आप देखेंगे वन गुड्स की डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर गुड्स प्राइसिस अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइस इलास्टिसिटी की तो प्राइस इलास्टिसिटी मैंने बताया मींस द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइसेस इसके प्राइस चेंज होने पर क्या रिस्पॉन्सिवनेस क्या सेंसिटिवनेस रहती है डिमांड के अंदर किसी भी गुड्स की उसको हम शो करते हैं यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से बिकॉज़ प्राइस में यहां पर चेंज होगा तो प्राइस को आप ईडी भी लिख सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को ईपी भी कई बुक्स में लिखा जाता है तो आपके पास ईपी इक्वल्स टू यहां पर जो है ये होगा प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी में जो चेंज होता है अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस ये आपके पास जो है प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मुला होता है अब इसका आपके पास जो नेगेटिव uh, साइन यहाँ पर जो लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है बिकॉज प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ चलेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी डिमांडेड और ये आपके पास चेंज इन प्राइज अपॉन में दिस तो बेसिकली ये फॉर्मूला ये बना है आप अगर चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वान्टिटी निकालना चाहते हैं तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इन टू हंड्रेड अपॉन में डेल्टा पी बायू हंड्रेड आ गया आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आ गया आपके पास प्राइज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइज में तो अगर हंड्रेड से हंड्रेड डिवाइड कर दिया जाए तो देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड अपॉन में क्वान्टिटी डिमांडेड ठीक है ये वाला और चेंज इन प्राइजेज यानी डेल्टा पी अपॉन में पी प्राइज यानी कि पी तो ये फॉर्मूला बना अब इसको आप इस तरीके से डिराइव करके यहाँ पर लिख सकते हैं यानी कि इसको अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू डेल्टा पी ओ पी अपॉन में डेल्टा क्यू पी है ना इंटू साइन है डिवाइड था इंटू होता है तो ऊपर नीचे हो जाता है और फिर बाद में इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि डेल्टा क्यू और डेल्टा डेल्टा एक साथ लेके आया और डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में

इन इलास्टिक का मतलब है कि आपके पास ज्यादा चेंज नहीं होगी यानी कि जैसे मैं कहता हूं कि प्राइस आपके पास हंड्रेड परसेंट से चेंज हुआ तो डिमांड टू हंड्रेड परसेंट से चेंज हुआ उसकी डबल हो गई उससे ज्यादा हुई बेसिकली जब उससे ज्यादा होगी तो आप कहेंगे इलास्टिक है डिमांड बट अगर उससे कम होगी यानी कि प्राइस हंड्रेड से चेंज हुआ और डिमांड ओनली एट्टी से चेंज हुई तो आप उसे कहेंगे इन इलास्टिक बेसिकली आप ये कहेंगे कि प्राइस चेंज होने पर लो सेंसिटिविटी है तो इन इलास्टिक हाई सेंसिटिविटी है तो इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या हुआ फुल आपके पास जो है रिस्पॉन्सिवनेस है यानी कि पूरे तरीके से इंफिनिटी आपके पास डिमांड में जो है देखने देखने को को मिल मिल रही रही है है परफेक्ट इन इलास्टिक कोई भी नहीं तो आप कहेंगे परफेक्ट इन इलास्टिक और अगर इक्वल है प्राइस में चेंज और आपके पास क्वांटिटी में चेंज दोनों में इक्वल है तो आप कहेंगे वो यूनिटरी इलास्टिसिटी को शो कर रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं टेबल में मैंने इसको लिखा हुआ है जीरो जीरो मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट चेंज एज प्राइज चेंजेस प्राइस चेंज होने पर डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली जीरो रिस्पॉन्सिवनेस जीरो सेंसिटिवनेस आप यहां पर कहेंगे तो आप इस वक्त कहेंगे इसे परफेक्ट ये इन इलास्टिक आपके पास डिमांड होगी बट अगर ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन हो एक से कम हो लेकिन जीरो से ज्यादा हो तो बेसिकली आप कहेंगे इलास्टिसिटी जो है वो आपके पास लेस देन वन है तो लेस देन वन है इसका मतलब है कि जो डिमांड में चेंज है वो स्मॉलर है प्राइस में चेंज से बताया था ना मैंने प्राइस में ज्यादा से चेंज हो रहा है और डिमांड में जब कम चेंज हो रहा है तो लेस देन वन आएगा वन आएगा तो आप इसे कहेंगे इन इलास्टिक आपके पास क्या होगा इन इलास्टिक इसी तरीके से अगर वन है आपके पास तो दोनों में इक्वल है एग्जैक्टली सेम परसेंटेज प्राइस चेंज तो यूनिटरी इलास्टिक आप इसे कहते हैं इसी तरीके से ग्रेटर देन है वन बट लेस देन इंफिनिटी है इन्फिनिटी से तो कम है तो क्वांटिटी डिमांड चेंज जो है वो लार्जर है प्राइस में चेंज से तो आप इसे कहेंगे इलास्टिक डिमांड आपके पास आ रही है इलास्टिसिटी बट अगर इन्फिनिटी है Means, आपके पास परचेजर आर प्रिपेयर टू बाय ऑल दे कैन ऑप्टेन एट सम प्राइस एंड एंड नन ऑफ ऑल इवन स्लाइटली हायर बाद प्राइजेस बढ़ने वाला नहीं है और प्राइस प्राइस इस पर वो उसकी इंफिनिटी क्वांटिटी परचेज करने के लिए तैयार है तो वहां पर परफेक्टली इलास्टिक है मतलब हाईली सुपर हाईली जो है रिस्पॉन्सिवनेस आपके पास इंसेंटिविटीनेस देखने को मिल जाती है ठीक है अब हम बात करते हैं कि आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी एंड चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर देखिए टोटल एक्सपेंडिचर से कैसे हम इलास्टिस को देखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या दिखाता है टी इक्वल्स टू प्राइस प्राइस क्वांटिटी यानी कि कितना आपने था कितनी क्वांटिटी बेसिकली दिखाएगा टोटल एक्सपेंडिचर आपने कितना किया है उस पर तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज डिक्रीज होने पर भी इलास्टिसिटी में चेंज आपको देखने को मिल जाता है लाइक like मैं कह सकता हूं कि व्हेन द प्राइस ऑफ द डिमांड इज इक्वल टू वन द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेंस द सेम टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिल रहा लाइक like मैं बना सकता हूं देखिए मैं यहां पर छोटा सा डायग्राम आपको बनाकर बता देता हूं कि आपके पास जो डायग्राम है इसको सोड़ा जूम कर लेते हैं या नेक्स्ट पेज पे चलते हैं ठीक है लेते हैं देखिए अगर मैं डायग्राम कुछ इस टाइप से बनाता हूं यहां पर ठीक है तो यहां हमने क्वांटिटी ली हुई है यहाँ प्राइस लिया हुआ है ठीक है तो आपके पास प्राइस वन टू थ्री ऐसे कुछ मैं पॉइंट दे देता यहाँ पर ठीक है ये पॉइंट दे दिए मैंने और इन्हें मैंने ए बी सी और डी पॉइंट दे दिया अब देखिए अगर टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे आप पी टू क्यू तो पी टू क्यू मतलब पी ये रहा और क्यू ये रहा तो टोटल एक्सपेंडिचर ये लाइन शो कर रही है यहाँ से यहाँ तक तो सपोज दैट आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मैं ये वाला लाइन ये लाइन और ये वाला लाइन देख रहा हूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइस इंक्रीज हो जाए या प्राइस डिक्रीज हो जाए मतलब ऊपर यहां से ऊपर चला जाए दो से तीन हो जाए तीन से चार हो जाए टोटल एक्सपेंडिचर एक्जैक्ट सेम है टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ये आपके पास इलास्टिसिटी इक्वल्स टू वन शो करेगा यानी कि यूनिटरी इलास्टिक शो करेगा बट आपके पास यहाँ पर अगर प्राइस जो है ग्रेटर देन वन होता है मीन्स इसका ये होगा कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा आपके पास एक्सपेंडिचर इंक्रीज देखिए मैं यहां पर इसको मार्क कर देता हूं यहां पर देखिए अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है और देखिए पहले इतना एक्सपेंडिचर था तो ये वाली लाइन आप देख सकते हैं तो शॉर्ट ही है ना ये देखिए इस वाली लाइन से कम ही है, है ना मैंने इसको एक मार्क बना दिया है तो ये इतना एक्सपेंडिचर हो रहा था अब जब प्राइस कम हुआ तो इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो जब प्राइस आपके पास डिक्रीज हो रहा है तो टू टी आपके पास बढ़ रहा है और जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टी आपके पास जो है डिक्रीज हो रहा है तो वहां पर इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन वन होगी वहां पर इलास्टिसिटी क्या होगी ग्रेटर देन वन बिकॉज आपके पास प्राइस कम हो रहा है और डिमांड आपके पास जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जा रही है पहले से तो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो आपके पास इलास्टिसिटी ज्यादा होगी ग्रेटर देन वन होगी बट अगर प्राइस कब बढ़ जाता है तो आपके पास डिमांड कम हो जाती है यही तो आपके पास रूल होता है ना उसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका कम हो जाता है तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास इलास्टिसिटी जो है वो कम और ज्यादा शो हो रही है तो जब प्राइस कम हो रहा है इलास्टिसिटी बढ़ रही है और जब प्राइस बढ़ रहा है टोटल uh, एक्सपेंडिचर कम हो रही है तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होगी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन बट इसके रिवर्स में अगर आप आ जाए कि जब प्राइस कम हो रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर पहले इतना था अब टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए मींस प्राइस कम होने पर टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाए और प्राइस बढ़ने पर भी टोटल एक्सपेंडिचर जो है बढ़ जाए देखिए प्राइस कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर ये हुआ और अगर प्राइस बढ़ गया तो टोटल एक्सपेंडिचर पहले ये था अब ये ऊपर बी पॉइंट पे आ चुका है तो टोटल एक्सपेंडिचर में आपको बिल्कुल सेम रिलेशनशिप यहां पर देखने को मिल रहा है कि इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो रहा है प्राइस के और डिक्रीज होने पर डिक्रीज हो रहा है तो आप कहेंगे वहां पर इलास्टिसिटी आपकी जो है वो लेस देन वन होगी बिकॉज जब प्राइस कम होता है तो डिमांड कम करते हैं ठीक है डिमांड जबकि ज्यादा होनी चाहिए और जब आपके पास प्राइस ज्यादा हो रहा है तो आपका डिमांड जो है वो बढ़ जा रहा है ये नेगेटिव इसको शो कर रहा है बेसिकली इसमें इन इलास्टिक लेस जो है वो शो हो रही है तो आप इन लाइन्स को पढ़ सकते हैं रीड कर लीजिएगा वेन द प्राइज इलास्टिसिटी इज लेस देन वन द टोटल एक्सपेंडिचर विल बी डिक्रीज एंड द फॉल इन द प्राइज विल इंक्रीज अगर प्राइस कम होता है तो वो इंक्रीज हो जाती है विद द राइज इन प्राइजेस प्राइस के राइज होने पर ठीक है है तो तो ये ये आपके आपके पास पास और और हो गया के हिसाब से अब समझते हैं को तो बताता है कि एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स के प्राइस में या और डिमांड में क्या इफेक्ट आता है क्या चेंज आता है उसको आप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से शो करते हैं तो चेंज इन द डिमांड फॉर वन गुड्स

परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पी यानी कि आप यहां पर इस तरीके से लिख रहे होंगे डेल्टा क्यू एक्स अपॉन में क्यू एक्स हंड्रेड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई तो पी वाई मैं इसको शो कर रहा हूं ये आपने यहां से लिखा हुआ है हंड्रेड से हंड्रेड आप कैंसिल हो सकते हैं तो लास्ट में आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा यानी कि इलास्टिसिटी क्रॉस इलास्टिसिटी डेल्टा क्यू एक्स अपॉन में डेल्टा पी पी वाई वाई अपॉन में क्यू एक्स ये आपके पास पीवा यहां पर बनेगा ठीक है तो ये आपके पास फॉर्मुला हो गया इसमें और नेगेटिव साइन नहीं ने आएगा पॉजिटिव साइन आएगा बिकॉज सब्सिट्यूशन गुड्स आप ले सकते ले हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लेते हैं साइन का हम एक्सैक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं कर पाएंगे ठीक है तो ये हो गया अब इसके बाद आता है आपके पास इनकम इलास्टिसिटी तो बेसिकली रिस्पॉन्सिवनेस टू रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द इनकम इनकम के चेंज होने पर आप देख रहे हैं कि डिमांड कि में कितना रिस्पॉन्सिवनेस आ रहा है तो आप यहाँ पर इनकम को देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली आपने लिखा हुआ है कि डेल्टा क्यू अपॉइमेंट क्यू इन हंड्रेड अपॉन में डेल्टा आई मैंने इनकम को आई ले लिया अपॉन में आई इन हंड्रेड ये आपने इस बार लिया हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपने यहाँ पर लिया हुआ है और इसमें जो आ, रिलेशन होता है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है तो इसके बेस पर यहाँ पर आप कुछ इलास्टिसिटी के मेजरमेंट देख सकते हैं तो अगर नेगेटिव आपके पास यहाँ पर रिलेशन आ रहा है तो डिमांड फॉर द कॉम्यटी फॉल्स एज प्राइज राइज अगर प्राइस बढ़ रहा है वो इनकम बढ़ रही है सॉरी इनकम बढ़ रही है तो आपके पास डिमांड जो क्वांटिटी की है वो कम हो रही है तो नेगेटिव रिलेशनशिप शो होगा बट अगर आपके पास डिमांड फॉर द कॉमोडिटी नॉट चेंज डज नॉट चेंज लिख लीजिएगा डज नॉट चेंज एज अ इनकम चेंज इनकम बढ़ रही है इनकम चेंज हो रही है बट आपके पास डिमांड चेंज नहीं हो रही है तो वहां पर जीरो आपके पास वैल्यू आएगी इनकम इलास्टिसिटी की ग्रेटर देन जीरो है बट लेस देन वन है तो इलास्टिसिटी ऑफ द कॉम्युडिटी राइज लेस देन द प्रोपोर्शन टू तो राइज इन इनकम सेम वही आ गया आपके पास कि जो डिमांड है वो आपके पास कम से चेंज हो रही है इनकम के ज्यादा चेंज हो रही है इनकम ज्यादा से चेंज होती है और आपके पास डिमांड कम से चेंज होती है तो इन इलास्टिक बेसिकली लेस देन वन और आपके पास अगर ग्रेटर देन वन है तो बेसिकली डिमांड में ज्यादा प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है और इनकम में कम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है तो ग्रेटर देन वन तो आप कह सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी ई ग्रेटर देन वन और ई आई जो है वो लेस देन यहाँ पर कह सकते हैं और अगर यूनिटरी है तो सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है सेम प्रोपोर्शन में चेंज होने का मतलब है कि जितने से इनकम बढ़ रही है उतने से ही डिमांड भी बढ़ या घट रही है तो वहां पर आपके पास सेम चेंज जो है वो देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट आता है आपके पास द इलास्टिसिटी ऑफ सब्सिट्यूशन सब्सिट्यूशन बेसिकली क्या होता है सब्सिट्यूशन मतलब एक को आप दूसरे की जगह पर सब्सिट्यूट करते हैं बेसिकली ये आपके पास ई e जो आपके पास ये कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ ये प्रोडक्शन में भी हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन फंक्शन वगैरह में तो यहाँ पर सेम वही बात की जाती है आपके पास क्रॉस इलास्टिसिटी की जहाँ पर एक गुड्स के प्राइस के चेंज होने पर दूसरे गुड्स की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है वही हम यहाँ पर देखते हैं तो प्रोपोर्शन चेंज इन द रेशियो ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई अपॉन में प्रोपोर्शन चेंज इन देयर प्राइसेस अब देखिए दोनों सब्सटिट्यूशन गुड्स हैं तो दोनों गुड्स हैं तो किसी एक के प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड कम होगी या तो किसी एक के प्राइस कम होने पर दूसरे की डिमांड बढ़ेगी मतलब एक का प्राइस दूसरे की डिमांड पर चेंज होगा तो आप दोनों का प्रोपोर्शन ले लेंगे आप कहेंगे कि परसेंटेज चेंज इन द रेशियो ऑफ एक्स वाई बोथ गुड्स अपॉन में प्रोपोर्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन में प्राइजेस ऑफ बोथ दोनों के प्राइजेस यहां पर ले लेंगे सबसे पहले तो आप क्वांटिटी ऊपर ले रहे होंगे और फिर यहाँ पर इनके प्राइजेस से इसको ले रहे होंगे डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिस निकल के आएगा तो इलास्टिसिटी ऑफ इज डिफाइंड ऑन द प्रोपोर्शन चेंज इन द रेशियो ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई इन प्रोपोर्शन टू चेंज इन द प्राइजेस रेशियो इनके प्राइजेस के हिसाब से न्यूमेरिकल टर्म्स में आप इस तरीके से लिख सकते हैं अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसको जरा समझते हैं देखिए आपके पास ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं लाइक like मैं कह सकता हूं कि आपके पास नेम ऑफ द कॉम्युडिटी अब कॉम्युडिटी कैसी है वो डिपेंड करता है लाइक like आपके पास कंपल्सरी गुड्स हैं ठीक है मतलब आपके पास नेसेसरी बेसिकली कंपलसरी नहीं नेसेसरी गुड्स हैं तो नेसेसरी गुड्स हैं या आपके पास ऐसे गुड्स हैं जो आप कभी कभार उनको यूज करते हैं तो नेसेसरी गुड्स हैं तो आपको जरूरत पड़ती ही पड़ती है तो अगर उसके प्राइजेस ज्यादा बढ़ भी जाते हैं या कम भी हो जाते हैं तो उनकी डिमांड पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है तो उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं होती लाइक मैं कह सकता हूँ सॉल्ट एक नेसेसरी गुड्स है आपको चाहिए चाहिए बट अगर उसका प्राइस कम या ज्यादा होता है तो उसकी आप डिमांड पर ज्यादा इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा होता है तो हम कह सकते हैं कि इनकी डिमांड नेसेसरी गुड्स की जो डिमांड है नेचर ऑफ नेसेसरी गुड्स जो है उनकी इलास्टिसिटी की डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होती है वहां पर ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता बट आप ऐसे गुड्स लेते हैं जो कि लग्जरी गुड्स हैं तो वहां पर आपके पास डिमांड जो है इलास्टिक होती है देखिए इलास्टिक क्यों होती है लाइक मैं कह सकता हूं कि उससे उसकी डिमांड मार्केट के अंदर हो जाए। और जितने से उसका प्राइस बढ़ा है उतने से उसकी डिमांड हो जाए ऐसा हो सकता है बट के केस में ऐसा नहीं होता ठीक है एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सिट्यूशन अगर किसी भी गुड्स का सब्सिट्यूशन अवेलेबल है मीन आपके पास अगर किसी भी गुड्स का सब्सिट्यूशन अवेलेबल है तो वहां पर उसकी डिमांड जो है इलास्टिक होगी बिकॉज अगर वो अवेलेबल होता है तो आप उसको यूज करने की जगह दूसरा यूज कर लेंगे तो डिमांड तो बढ़ेगी ही बेसिकली तो वहां पर इलास्टिक डिमांड हो जाएगी बट अगर नहीं है तो एन इलास्टिक होगा सेवरल यूजेस मतलब अगर किसी गुड्स के बहुत ज्यादा यूजेस हैं तो वहां पर उसकी डिमांड जो है इलास्टिक होगी इलास्टिक क्यों होगी क्योंकि जब उसका प्राइस थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो आप उसकी डिमांड को ज्यादा बढ़ा देंगे जिसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी और अगर नहीं है तो इनिलास्टिक होगी डेफर्ड कंजम्पशन ऐसे गुड्स जिनको आप डेफर्डली कंज्यूम कर सकते हैं अभी नहीं बाद में उसे कंज्यूम करेंगे आप अभी उसको कंजम्पशन आप नहीं करने वाले तो ऐसे गुड्स की डिमांड जो है आपके पास इन इलास्टिक होती है बिकॉज ओ सॉरी दोस्तों इलास्टिक होती है बिकॉज ऐसे गुड्स का कंजम्पशन अगर आप अभी कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में आपके पास जो है आपने अभी उसको परचेज करके रख लेंगे बट अभी आप उसको जरूरत नहीं है तो आप उसकी डिमांड को बाहर बाद में कंफ्यूज कर कंजप्शन करने वाले हैं लॉन्ग टर्म में तो उसकी डिमांड जो है इलास्टिक हो जाएगी ऐसे ही टाइम पीरियड में भी आता है अगर लॉन्ग टाइम पीरियड में तो इलास्टिक शॉर्ट टर्म के लिए तो इन एलास्टिक वहीं से आप यहाँ पर डेफर्ड कंजम्पन भी ले सकते हैं हैबिट्स की बात करते हैं अगर किसी भी कंज्यूमर को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की हैबिट है तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा क्या होगी इन इलास्टिक होगी बिकॉज वहां पर वो ज्यादा चेंज नहीं कर रहा होगा उस चीज में प्राइस पे उसे इंपैक्ट ही नहीं पड़ रहा होगा बिकॉज उसकी तो उसे हैबिट है तो प्राइस से ज्यादा इंपैक्ट उसके डिमांड पर नहीं पड़ने वाला तो वहां पर इलास्टिक अगर हैबिट नहीं है तो इलास्टिक ठीक है तो ये हो गया नेक्स्ट uh, है इनकम ग्रुप अगर आपके पास अगर आप ज्यादा इनकम खर्च करते हैं किसी भी गुड्स पर और उसकी ज़्यादा इनकम जब आप लार्ज प्रोपोर्शन में उसका खर्च कर रहे होते हैं तो उसकी डिमांड जो है आपके पास इलास्टिक होती है और अगर आप किसी भी गुड्स पर कम ला पोर्शन जो है मतलब स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम आप स्पेंड कर रहे होते हैं तो वहाँ की उसकी डिमांड जो है इन इलास्टिक होती है लाइक कैसे देखिए सपोज दैट मैं कहता हूँ मैच बॉक्स होता है है ना uh, मैं कहता हूँ सॉल्ट होता है ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं है ना जिन पर आप अपनी इनकम का बहुत कम पोर्शन खर्च करने वाले हैं कम खर्च करते ही हैं करने वाले क्या है करते ही हैं तो वहां पर अगर उसका प्राइस चेंज होता भी है तो उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस वहां पर नहीं देखने को मिलती उतनी ज्यादा सेंसिटिवनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी तो वहां पर प्राइस में ज्यादा भी चेंज हो सकता है और इनकम डिमांड में कम चेंज हो सकता है तो वहां पर इन एलास्टिक ठीक है स्मॉल पोर्शन है तो इन एलास्टिक ठीक है इन एलास्टिक मैंने इसके बगल में लिख भी दिया है ठीक है और अगर लार्ज पोर्शन है लाइक आप कुछ ऐसी चीजें खरीदने वाले हैं लाइक टीवी फ्रिज या फिर ऐसी चीजें जिन पर आप ज्यादा इनकम का पार्ट खर्च करेंगे तो उनकी डिमांड जो है आपके पास इलास्टिक होगी बिकॉज वहां पर आपके पास जो है प्राइस जब चेंज होगा तो आप उसकी डिमांड को उससे ज्यादा बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वहां पर चेंज देखने को मिल जाएगा पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंडर मैंने ये इसमें बता दिया इनकम ग्रुप की बात कर लेते हैं इनकम ग्रुप मतलब एक पुअर और रिच सेक्टर की बात करते हैं तो पुअर जो होता है वो उसकी इनकम ग्रुप जो है वहाँ पर उसकी इलास्टिसिटी डिमांड होती है और जब आप रिच की बात करते हैं तो वहाँ पर इन इलास्टिक डिमांड होती है बिकॉज देखिए जो पुअर होता है पुअर पर्सन है उनके पास कम इनकम है कम इनकम ग्रुप है तो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस चेंज होने का वो ज़्यादा या कम परचेस कर सकता है लाइक like अगर कोई सी चीज कम सस्ती मिल जाए आज के वक्त में जिसकी इनकम कम है तो वो उसका स्टॉक बनाकर रख सकता है उसे पता है मेरे पास अभी पैसे हैं तो मैं अभी उसे परचेज कर लेता हूँ अभी वो सस्ता है और आने वाले वक्त में नहीं कर सकता बट जो रिच पर्सन है उसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसके पास पैसा है वो चाहेगा कि आज नहीं तो मैं कल तो परचेज कर ही लूंगा मतलब अगर आज वो सस्ता मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आज उसका स्टॉक बनाने की जरूरत नहीं है हम कल भी उसे परचेज कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज हमारे पास पैसा है हमें सस्ते से मतलब नहीं है तो वहां पर जो है इन इलास्टिक डिमांड देखने को मिलती है लेवल ऑफ प्राइजेस अगर प्राइजेस बहुत ज्यादा हाई है ठीक है प्राइजिस बहुत ज़्यादा हाई है बेसिकली आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो वहां पर डिमांड जो है ऑटोमेटिकली कम हो रही होगी और यहाँ पर इलास्टिक होगी और इन इलास्टिक होगी और जब प्राइस कम है तो इलास्टिक होगी टाइम फैक्टर मैंने कहा था अगर लॉन्ग टर्म में आप यूज करने वाले लॉन्ग टर्म में आप कंज्यूम करने वाले हैं तो वहां पर उसकी डिमांड जो है वो क्या होने वाली है लॉन्ग uh, टर्म में इलास्टिक और शॉर्ट टर्म में आपके पास इन इलास्टिक तो ये आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट था जो हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा इसी तरीके से आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेसिकली यहाँ पर शो करता है कि आप सप्लाई बेसिकली आपको पता ही होगा कि आपको दिखाता है वेरियस प्राइस प्राइज लेवल पर कि आप विलिंगनेस टू सेल कितना है मतलब कितना बेचना चाहते हैं ऐसे ही आपकी कितनी क्वांटिटी आप सोल्ड करना चाहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिवनेस शो करती है प्राइस के चेंज पर अगर प्राइस चेंज होता है तो आप क्या ज्यादा या कम करना चाहते हैं उसको आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से दिखाएंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टू द सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द सप्लाई टू द चेंज इन प्राइजेस इन द अदर वर्ड्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस ठीक है तो सेम फॉर्मूला है आपके पास रिलेशन कैसा होता है पॉजिटिव होता है बेसिकली जो सभी चीजें हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं वही सेम चीजें जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी अप्लाई हो जाती हैं ठीक है अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू कि किस तरीके से जो है इलास्टिसिटी में कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू अप्लाई होता है बिकॉज मैं इसको प्रोड्यूसर के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं लेकिन इसको मैं जो है आपको यहां पर इसके बाद पढ़ा दूंगा बिकॉज यहां पर इलास्टिसिटी का रोल आ जाएगा जहां पर आप रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में इलास्टिसिटी जो है कुछ पॉइंट में आपको डिफाइन करने के लिए आती है तो इस वजह से जो है हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे होंगे तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं